नमस्कार, सिटी विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। खबरों की शुरुआत करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। अफवाह के चलते महिला बचत गट की सदस्य महिला पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय। प्रशासन ने घबरा कर आवेदन स्वीकारने के लिए लगाए नए काउंटर। बोनखैरी में एसीबी को मिले माल वाहन में 1 करोड़ रुपए की हुई पुष्टि। 1 करोड़ रुपए जीएस रायसोनी इंस्टीट्यूट के संचालक सुनील रायसोनी के बताए जा रहे हैं। अकोला में प्रचार सभा के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनता को मोदी के निर्णय को स्वीकार कर 50 दिन साथ देने की कही बात। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को शहर में जबरदस्त अफवाह रही कि जिला प्रशासन द्वारा महिला बचत गट समूहों का कर्ज माफ किया जा रहा है। फिर क्या था, देखते ही देखते अनेक महिला बचत गट समूहों की हजारों महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गई। सभी कर्ज माफ करने के लिए अपने साथ में आवेदन लाए थे। हजारों महिलाओं की भीड़ देखकर प्रशासन भी घबरा गया। हालात बेकाबू ना हो जाए पुलिस बल को बुलाया गया। दबाव इतना ज्यादा था कि प्रशासन ने एक अलग से काउंटर खोलकर सबको अपने आवेदन जमा करने को कहा। आवेदन जमा करने को महिलाएं टूट पड़ी। शाम तक आवेदन जमा करने का सिलसिला चलता रहा। विशेष यह है कि दलालों ने इसका खूब फायदा उठाया। आवेदन का एक नमूना बनाकर उसे 20-20 रुपए में बेच डाला। हजारों फॉर्म बिक गए। फिलहाल प्रशासन भी यह समझ नहीं पा रहा है कि यह अफवाह कैसे और कहां से उड़ गई है। हालांकि जिलाधिकारी कार्यालय से पुलिस आयोग को पत्र जारी कर इस मामले की जांच करने के लिए बोला गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी शक जताया जा रहा है। ऐसे में सहकार विभाग से ही इसकी जांच करने की तैयारी कर रहा है। गुरुवार को कुछ महिला बचत समूह से जुड़ी महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंची थी। इन महिलाओं ने जनलक्ष्मी फाइनेंस संस्था से कर्ज लिया था। संस्था ने बिना कागजी कार्रवाई के प्रत्येक महिला को 30 से 50 हजार तक कर्ज उपलब्ध कराया। हजारों महिलाएं इससे लाभान्वित हुई। इस बीच केंद्र सरकार ने नोटबंदी कर दी। तत्पश्चात संस्था ने सबको पैसा लौटाने को कहा। खबर के मुताबिक संस्था ने कुछ लोगों के घर का सामान जब्त कर लिया तो कुछ को घर पर कब्जा करने की धमकी दी। इसके बाद महिला बचत समूह ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कर्ज माफ कराने की गुहार लगाई। बस क्या था, कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी थी कि जिला प्रशासन महिला बचत समूहों के कर्ज माफ कर रहा है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर से लेकर बाहर तक महिलाओं का मजमा लगा हुआ था। सभी महिलाएं अधिकारियों से मिलकर कर्ज माफी के आवेदन स्वीकारने की गुजारिश करती रही। जिलाधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किसने कर्ज माफ करने की अफवाह उड़ाई है। महिलाएं सिर्फ एक आवाज दे रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप पर खबर चल रही है, किसी ने बताया, अखबार में खबर आई है, किंतु पुष्टि कहीं से नहीं हुई। लगातार दबाव बढ़ता देख और अफरा तफरी की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को तब्बल कर दिया। महिलाओं को शांत करने के लिए एक अलग से काउंटर शुरू किया। वहां आवेदन जमा करने के लिए काम शुरू हुआ। इसके बाद महिलाएं शांत हुई। दलालों ने ऐसे हालात का पूरा फायदा उठाया। प्रशासन ने जैसे आवेदन जमा करने को कहा, दलालों ने एक नमूना तैयार कर फॉर्म की फोटोकॉपी कर ली। आवेदन पर लिखा था, जनलक्ष्मी सूर्योदय रत्नाकर वर्धा अर्बन ग्राम शक्ति निर्बल निर्मल उज्ज्वल सिटी SKS HDFC। इसका ग्रामीण कोटा शेयर मुदत उत्कृष्ट माइक्रो फाइनेंस आदि फाइनेंस कंपनियों से महिला बचत गटों द्वारा लिया गया कर्ज माफ किया जाए। इस फोटो स्टेट कॉपी को 20-20 रुपए में बेचा। सैकड़ों महिलाओं ने फॉर्म खरीदे भी। फॉर्म के लिए 5 रुपए की कोट टिकट 10-10 रुपए में बेची गई। दलालों की पूरी श्रृंखला तैयार हुई थी। स्थानीय होटल पर भी भारी भीड़ लगी। दूसरे दिन तक चलने वाला माल दोपहर में ही खाली हो गया। परिसर में यह भी चर्चा थी कि जिस तरह सरकार ने विजय माल्या सहित अनेक लोगों को कर्ज माफ किया है, उसी तर्ज पर अब महिला बचत गटों का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। अनेक महिलाओं की जुबानी से यह चर्चा सुनाई गई। महिला बचत समूहों का कर्ज माफ करने की चर्चा कोरी अफवाह होंगी, इसकी संपूर्ण जांच होगी। पुलिस आयुक्त व DCP को इस मामले में पत्र जारी किया गया है। जिसने भी अफवाह फैलाई उस पर कार्रवाई होगी। साथ में कर्ज बांटने वाले फाइनेंस कंपनियों की भी जांच होगी।
अगर मामला मनी लैंडिंग से जुड़ा है तो जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। समेत कई विभागों में, कई गांवों में जिन लोगों ने लोन लिया है, सूर्योदय, जनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, जिन्हीं लोगों ने लोन लिया है उन लोगों की मांग है कि हमारी लोन माफ होना चाहिए। इसीलिए वो कलेक्टर ऑफिस में निवेदन कर रहे फॉर्म भर भर के। कहाँ से लोग आए? अमरावती से, नागपुर से और पूरे विदर्भ से लोग आए। हमारे को बताया गया कि लोन माफ कर रहे गट का, इसलिए हम यहाँ आए। अच्छा, और आपको ये कैसे पता चला सर? ये जैसे लेडीज ने बताया, जैसा अपना जनलक्ष्मी पे रेट गिरा, जैसे अन्य गटों पे रेट गिरा, ये हमारे को पता हुआ, इसलिए हम इधर आए। अच्छा, यहाँ पे कहाँ कहाँ से? यहाँ यानी कि यही पे शुरू हो रहा है ज्यादा। हाँ, कहाँ कहाँ से? पूरा नागपुर से आ रहे हैं ना, अमरावती तक से लोग आ रहे यहाँ। तो क्या चुतिया है क्या सर? कलेक्टर ने प्रूफ दिया ना, सिग्नेचर और थप्पा दे रहे हैं अगले के स्टाम्प पेपर में, जेरॉक्स में, फिर हमारे पेपर में क्यों नहीं दे रहे? पहले ये अफवाह थी, तो पहले किसी के फॉर्म में सिग्नेचर नहीं देना था और स्टाम्प की स्टाम्प नहीं देना था, और फिर ये अफवाह बताने से कोई फायदा नहीं, पहले ये पुरावा करना था। नहीं, कुछ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरफ से, रादर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरफ से कुछ बचत गट के लोगों ने कुछ ऋण लिया था, और ऋण के सापेक्ष अभी शहर में ऐसी चर्चाएं चल रही है कि ऋण माफ़ किया जा रहा है करके। तो इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि जो बचत गटों ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के मार्फत जो भी कुछ कर्जा लिया होगा, इसके माफ़ी के संदर्भ में कोई भी कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है, और इस संदर्भ में उनका और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा उसके संदर्भ में जिला प्रशासन का कोई लेना देना नहीं। 500,000 के पुराने नोट के 1 करोड़ रुपए की नकदी लेकर नागपुर पहुंचे वाहन क्रमांक MH401K1281 को गुरुवार को अमरावती रोड के गुंडखेरी नाके पर भ्रष्टाचार प्रतिबंध दल ने पकड़ लिया। यह वाहन GH रायसोनी इंस्टीट्यूट का होने की जांच संचालन सुनील रायसोनी के है। जांच में यह बात सामने आई है। ज्ञात हो कि गुरुवार को SEB को टिप मिली थी कि एक व्यक्ति वाहन से कैश लेकर अमरावती रोड से नागपुर आ रहा है। इस आधार पर SEB के पुलिस अधीक्षक संजय दराड़े ने पुलिस निरीक्षक दिनेश शेंडे और अनिरुद्ध पुरी को वाहन की खोज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। SEB के दल ने गोंडखैरी टोल नाके पर वाहन को पकड़ लिया। गाड़ी की चटाई का एक बड़ा बॉक्स रखा था। बॉक्स को खोलने पर उसमें से 500,000 के नोटों का बंडल मिला। 1,500,000 रुपए की नकदी थी। SEB ने वाहन चालक अनिस अहमद और उसके साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उन्होंने बताया कि यह राशि वे जलगांव से लेकर आए हैं। SEB इस मामले की जांच कर रहे हैं। कैश लेकर आए आरोपी से पूछताछ की गई, इसमें से बात स्पष्ट हुई है कि यह कैश जलगांव से आई है। अब इस मामले की जांच की जा रही है कि यह रकम किसकी और उसे कहां लाया गया है। सुनील रायसोनी ने इस संदर्भ में संपर्क करने पर कहा कि यह राशि उनके भतीजे की है, उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इस बीच वाहन चालक अनिस अहमद और उनके साथी उइको को प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के न्यायालय से पेश कर पुलिस ने 7 दिनों तक PCR मांगा था, लेकिन बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया। न्यायालय ने फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत कार्रवाई किए जाने पर उन्हें बरी कर बचाव पक्ष को यह साबित करने को कहा है कि यह राशि आरोपियों की है। काल नागपुर शहरामध्ये गुप्त माहितीच्या आधारे नागपूर अँटी करप्शन ब्युरो ने अमरावती रोड या ठिकाणी 1,500,000 रुपयाची प्रायव्हेट व्हेकल मधून जात असलेली कॅश इंटरसेप्ट करून सीज केलेली आहे। त्यामध्ये 2 लोक हे वाहनावर होते, त्या लोकांची नावं एक अनिस अहमद आहे आणि दुसरा सिलचंद उइके म्हणून आहे। सदरचं वाहन जे आहे, रजिस्ट्रेशन जे आहे, ते रजिस्ट्रेशन अंकुश शिक्षण संस्था, प्रोप्रायटर सुनील रायसोनी, GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, CRPF कॅम्प या नावावर ते वाहन रजिस्टर्ड आहे। सदर दोन्ही आरोपींना आपण ताब्यात घेतलेलं आहे आणि त्यांच्याकडे चौकशी केली। तर चौकशीमध्ये त्यांनी सदरची कॅश ही जळगाव येथून प्रीतम रायसोनी यांच्याकडून आणली असं सांगितलेलं आहे। तर सदरच्या सर्व लोकांकडे अँटी करप्शन ब्युरो चौकशी करण्यात येईल आणि
इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला सदर जे कॅश सीजर आहे त्याची माहिती देण्यात आलेली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए नोटबंदी के निर्णय का स्वागत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहने की अपील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अकोला जिला के अकोट नेहरू पार्क में भाजपा के प्रचार सभा के दौरान जनता से कही थी. सिर्फ 50 दिन और मोदी ने जो किया है, जो निर्णय लिया है, जनता के हित के लिए है. गरीब को, महिलाओं को, गरीब परिवार के बच्चों को उसका जरूर फायदा होगा. दलित आदिवासी सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए यह कदम एक कठोर कदम जरूर है, पर यह कदम काले धन जमा करने वालों के लिए था, आम नागरिकों के लिए नहीं. आम नागरिकों से देवेंद्र फडणवीस ने अपील की है कि सिर्फ कुछ दिन और साथ दे. 5 करोड़ रुपये टैक्स बैंक में जमा होने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है. घरातल्या तिजोरीत ठेवला, आपल्या गादीखाली ठेवला, आपल्या पलंगाखाली ठेवला, आपल्या उशीखाली दाबू दाबू ठेवला. एका रात्रीमध्ये हा पैसा मोदी साहेबांनी एवढा काळा केला की तो वापरताच येत नाही. काळा पैशावाल्याचं तोंडच काळं झालं. आज तो समोरच येऊ शकत नाही. बंधू भगिनींनो, काय किमया आहे बघा. एका रात्रीमध्ये कालपर्यंत जो धन्ना सेठ या ठिकाणी चेहरा वर करून आपल्यावर मिजाज करत होता, तो रस्त्यावर आला आणि तुम्ही श्रीमंत झाला. कारण तुमचा जो गोरा पैसा आहे, तुमचा जो मेहनतीचा पैसा आहे, हरामाचा पैसा तुमच्याजवळ नाही आहे. तुमची 500 नोट असो, 1000 असो का 100 असो, तुम्ही त्या ठिकाणी ताठ मानेनं ती नोट घेऊन बँकेसमोर उभा राहू शकता. हा बँकेपासूनही पळतोय, पोलिसापासूनही पळतोय, इन्कम टॅक्सपासूनही पळतोय. ही अवस्था एका रात्रीत मोदी साहेबांनी त्याची केली. परिणाम काय बघा बंधू भगिनींनो. 15 दिवसामध्ये देशाच्या बँकेमध्ये 5.5 लाख कोटी रुपये आले. हे 5.5 लाख कोटी रुपये होते कुठे, कुणाजवळ होते, कोणी लपवून ठेवले होते? हे 5.5 लाख कोटी रुपये जे देशाच्या बँकेमध्ये आले, ते मोदी साहेब घरी नेणार नाही आहेत. तो पैसा तुमच्या कामाला येणार आहे. हा पैसा तुमच्या करता गुंतवला जाणार आहे. या देशातल्या दीन दलित, गोर गरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, अल्पसंख्याक, महिला, विद्यार्थी, बेरोजगार या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये परिणामकारक परिवर्तन या 5.5 लाख कोटी रुपयातनं या ठिकाणी होणार आहे. बंधू भगिनींनो, मोदी साहेबांनी केवळ 50 दिवस आपल्याला मागितलेले आहेत. त्रास सहन करावाच लागेल, कारण आर्थिक स्वातंत्र्याची लढाई आहे. या लढाईमध्ये आपल्याला मोदीजींचं सैनिक व्हायचं आहे. आपल्याला माहिती आहे ज्या काळामध्ये या देशाच्या स्वातंत्र्याचा लढा सुरू होता, तेव्हा आमचे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी म्हणायचे, लाठी गोली खाएंगे स्वतंत्रता दिलाएंगे, आधी रोटी खाएंगे स्वतंत्रता दिलाएंगे. आता अर्धी पोळी खायची आवश्यकता नाही आहे, आता लाठी गोळी खायची आवश्यकता नाही आहे. केवळ 50 दिवस मोदींचे सैनिक बनून या ठिकाणी त्रास सहन केला की काळ्या पैशाचा नायनाट होणार आहे आणि या देशामध्ये एक नवं राज्य सुरू होणार आहे. प्रामाणिकतेचं, प्रामाणिकपणाचं, इमानदारीचं आणि त्यातलं निघालेले लाखो. आने वाले 27 नवंबर को नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं. मतदाताओं से ज्यादा संख्याओं में अपना कीमती वोट डालने और नागरिकों में जन जागृति लाने के कारण यवतमाल जिले के उमरखेड़ शहर में तालुका प्रशासन की ओर से जन जागृति रैली निकाली गई. इस रैली में महाविद्यालय के युवती, युवक, शालेय विद्यार्थी, शिक्षकगण, अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे. खबरों के बीच यहाँ रुकते एक छोटे ब्रेक के लिए आप जुड़े रहिए सिटी विदर्भ न्यूज के साथ. स्वतंत्रता को बल देता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. उत्तर नागपुर और समुद्दोष सामाजिक संस्था की ओर से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. समता न्याय का बल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है. भारत का संविधान है, भारत का संविधान है. We'll be right back.
के बाद आपका फिर से स्वागत है। 26 नवंबर यह दिन पूरे देश में मनाया जाता है। नागपुर के संविधान चौक पर सुबह से ही आम्बेडकरी जनता बाबा साहेब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर संविधान दिवस की मंगलमय मनोकामना देते हुए दिखाई दिए। संगठन और कई सामाजिक जनता द्वारा इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित होकर बाबा साहेब आम्बेडकर को मानव वंदना देते हुए दिखाई दिए। 26 नवंबर के दिन देश अपना संविधान दिवस मनाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई, क्योंकि ये वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के जन्म के 125वें साल के रूप में मनाया गया था। आपको बता देते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रचार करने के लिए चुना गया था। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा है। इसमें 448 अनुच्छेदें, 12 अनुसूचियां और 94 संशोधन शामिल है। 19 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना हुई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की नियुक्ति हुई थी। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित और कॉलीग्राफ थी। इसमें किसी भी तरह की टाइपिंग या प्रिंट का प्रयोग नहीं किया गया था। संविधान सभा में संविधान को प्रस्तुत करने के बाद इसे प्रेरित करने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 2 दिन बाद इसे प्रभाव में लाया गया। हम संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस के लिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिया है, जिसमें मतलब जो ज़रूरतमंद लोगों को ब्लैंकेट देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने प्रोग्राम रखा है। यहाँ पे यहाँ मौजूद हमारे काफ़ी मेहमान हैं और हमारे जो लोग हैं उन्हें हम आज ब्लैंकेट वितरण करेंगे। आपका पूरा परिचय? मोहम्मद इमरान पल्ला, जनरल सेक्रेटरी, नागपुर सिटी यूथ कांग्रेस। और जो इस देश में हम जानते हैं कि मुख्तलिफ धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। एक गुलशिता है हमारा देश, एक गुलिस्ता है, फूलों का अलग अलग कलर के रंग के फूल यहाँ बसते हैं, धर्मों के मानने वाले रहते हैं। उन सबको जो प्यार मोहब्बत में पिरोता है वो हमारे देश का संविधान है, और इसी संविधान को हम आज मनाने के लिए, उसके अवेयरनेस के लिए, और जो जिम्मेदारी देश का संविधान नागरिकों को देता है और नागरिकों को पूरी करने के लिए हम यहाँ जमे हुए हैं। और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के हम उपकार को नहीं भूल सकते ऐसे समय पर, कि जिन्होंने इस देश को दुनिया का सबसे महान संविधान दिया है। नागपुर के मोमिनपुरा स्थित मुस्लिम युवा नागपुर युवक कांग्रेस की ओर से संविधान दिवस के उपलक्ष्य में गरीबों को ब्लैंकेट वितरित किए गए और सभी गरजू गरीब जनता की मदद करने हेतु युवक कांग्रेस द्वारा अग्रेसर होने की बात कही गई। और जो इस देश में हम जानते हैं कि मुख्तलिफ धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। एक गुलशिता है हमारा देश, एक गुलिस्ता है, फूलों का अलग अलग कलर के रंग के फूल यहाँ बसते हैं, धर्मों के मानने वाले रहते हैं। उन सबको जो प्यार मोहब्बत में पिरोता है वो हमारे देश का संविधान है, और इसी संविधान को हम आज मनाने के लिए, उसके अवेयरनेस के लिए, और जो जिम्मेदारी देश का संविधान नागरिकों को देता है और नागरिकों को पूरी करने के लिए हम यहाँ जमा। नागपुर के संविधान चौक से शहर विकास मंच की ओर से झोपड़पट्टी धारकों का मोर्चा मुख्यमंत्री के सचिवालय हैदराबाद हाउस पर ले जाया गया। कई दिनों से झुग्गी झोपड़पट्टी वासियों के मालिकाना हक देने की मांग की है। कई दिनों से घोषणा किए जाने पर भी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में नागपुर विकास मंच की ओर से झोपड़पट्टी आघाड़ी का एक मोर्चा निकाला गया, जो अपनी मांगों को लेकर देवेंद्र अपने नागपुर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है उनके सचिवालय जा रहा है। देखना है उनकी मांगे क्या है, उनकी मांगे पूर्ण होती है क्या मांगे, हम जानकारी लेंगे। जो हमारे साथ में नागपुर विकास मंच के आघाड़ी के जो सदस्य है, हमारी मांग ये है कि सरकार ने जो वादा किया है जनता से उसका निभाना चाहिए। सरकार वादे करती है लेकिन उसे निभाती नहीं है। हमारे जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, उन्होंने घोषणा की थी कि नागपुर के झोपड़पट्टी वासियों को मालकी हक के पट्टे देंगे, और वो निरंतर घोषणा करते रहे हैं।
और जब विधायक थे तब भी उन्होंने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी घोषणा की, लेकिन ये जो प्रक्रिया है मालकी पट्टे देने की अभी तक शुरू नहीं हुई है। और दूसरी बात यह है कि इस संदर्भ में महाराष्ट्र के सरकार ने मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार दो JR निकाले हैं। पहला JR निकला 16 जुलाई को 2016 को, उसमें कहा गया है कि नागपुर के भोपड़े वासियों को मालकी पट्टे देंगे, और दूसरा JR निकाला उन्होंने 24 अगस्त 2016 को, उसमें उन्होंने कहा कि नागपुर सोया पन्नास की जगह पर जो जमीन है, जो झोपड़े हैं, उनको हम लोग मालकी पट्टे देंगे। और पहले लिस्ट में उन्होंने 52 झोपड़पट्टियों का नाम लिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री निरंतर घोषणा करते जा रहे कि हम लोग नागपुर के 7 लाख झोपड़पट्टी वासियों को मालकी हक देंगे, लेकिन अभी तक इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, यही सबसे दिक्कत है। और संविधान दिन का हम सम्मान करते हुए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार भी संविधान का सम्मान करे। आप लोग तो संविधान दिन बहुत धूमधड़ाके से मनाते हैं, पूरे देश में मनाते हैं और सरकारी तौर पर मना रहे हैं, लेकिन जिस संविधान के अनुसार ही यहाँ पर यदि GR निकालते हैं, उसकी यदि अमलबाजी नहीं होती है, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, उसका अमल नहीं होता है, तो उसमें कोई अर्थ नहीं है। यदि आपको सही माने में संविधान का सम्मान करना है, बाबा साहब का सम्मान करना है, तो आपको आप जो निर्णय लेते हैं उससे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, उसका अमल करना चाहिए, तभी सही माने में बाबा साहब का सम्मान करेंगे, संविधान सम्मान करेंगे। कितने झोपड़पट्टी वासी हैं और कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और क्या क्या मांगों को लेकर? नागपुर शहर में 9 लाख लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं और 446 झोपड़पट्टियाँ है। नागपुर शहर की सभी झोपड़पट्टी वासियों में से बहुत सारे झोपड़पट्टी में से लोग यहाँ पे आज उपस्थित है। संविधान दिन है और संविधान के दिन के उपलक्ष्य में हमने ये एक सिंबॉलिक एक मोर्चा निकाला है आज का, कि संविधान का पालन शासन ने करना चाहिए और उसी के तहत आपने जो कानून निकाले हैं उस कानून की अमलबजानी होना चाहिए। संविधान के तहत सब चल रहा है, आपको भारत देश का पूरा कारोबार संविधान के तहत चल रहा है, तो उसको अमलबजानी करने में इतनी दिरंगाई क्यों, ये हमारा सवाल है। और सभी नागपुर शहर के झोपड़पट्टी वासियों को मार्के के पट्टे देने का वादा आपने महाराष्ट्र सरकार ने सत्ता में आने से पहले विधा किया है और अभी सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने यही वादा किया है कि हम नागपुर शहर के सभी झोपड़पट्टी वासियों को मार्के के पट्टे देंगे। और GR भी निकाला उन्होंने, लेकिन अभी तक अमलबजावनी नहीं हुई, इसलिए आज का ये मोर्चा एक सिम्बॉलिक तौर पर एक शासन को एक आगाह करने के लिए कि भाई झोपड़पट्टीवासी जो है उनको मार्केट के पट्टे देना चाहिए। देखा जाता है कि कई गरीब लोग आज महाराष्ट्र जनता जो हमारे यहाँ पर भी नागपुर में भी उपस्थित संविधान चौक पर महाराष्ट्र के कई गरीब जनता जो है अपने हक के लिए आज भी लड़े, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जो सुनकर भी अनसुनी कर रहे हैं। देखना यह है कि अब जो गरीब जनता है झोपड़पट्टीवासी है इनकी मांगे अब पूरी होती है या नहीं, ये जब सचिवालय जाके जब निवेदन देंगे अब इनकी मांगों को लेकर क्या होता है, क्या मुख्यमंत्री उसके लीडर्स निकालेंगे? खबरें समाप्त करने से पहले फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अफवाह के चलते महिला बचत गट की सदस्य महिला पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय, प्रशासन ने घबरा कर आवेदन स्वीकारने के लिए लगाए नए काउंटर। गोंडहेरी में ACB को मिले माल वाहन में 1 करोड़ रुपए की हुई पुष्टि। 1 करोड़ रुपए GS रायसोनी इंस्टीट्यूट के संचालक सुनील रायसोनी के बताए जा रहे हैं। अकोला में प्रचार सभा के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनता को मोदी के निर्णय को स्वीकार कर 50 दिन साथ देने की कही बात। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप जुटे रहिए CTV विदर्भ न्यूज के साथ। नमस्कार।